नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारी फॉक्सवैगन की पोलो, वेंटो और जो स्कोडा की फाबिया और रैपिड कार्स है, इनमें जो डीजल इंजन है 1.2 लीटर TDI इंजन और 1.6 लीटर या फिर 1.5 लीटर TDI इंजन जो है, इसमें एक टाइमिंग बेल्ट लगा होता है और वो जो टाइमिंग बेल्ट है वो कंपनी के अनुसार 1,00,000 किलोमीटर बाद हमें चेंज करना पड़ता है। वो टाइमिंग बेल्ट अगर हम चेंज नहीं करते और बाय चांस रनिंग में टूट जाता है तो काफ़ी सारा नुकसान हमें उठाना पड़ता है, क्योंकि वो अगर रनिंग में टूट गया तो हेड में लगे वॉल्स वगैरह है वो टूट जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, इसके बाद पिस्टन भी टूट सकते हैं और पूरा इंजन भी आपको ओवरऑल करना पड़ सकता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। तो अच्छा यही है कि 1,00,000 किलोमीटर बाद ये जो टाइमिंग बेल्ट है ये हम चेंज कर दे। तो ये जो टाइमिंग बेल्ट है ये किस तरह चेंज किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये जो टाइमिंग बेल्ट है ये इस तरह लगा होता है, तो ये आप देख सकते हो इजीली निकाल के, ठीक है, सिर्फ देख सकते हो, खोलने के लिए प्रोसीजर अलग है, वो भी देखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो ये इधर लॉक लगे होते हैं, इस साइड में एक लॉक लगा हुआ होता है, ठीक है, इसको खोलना है, ये कपलर आपको निकालना पड़ सकता है, इतना कर दोगे तो आपका जो टाइमिंग बेल्ट है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या क्या खोलना पड़ेगा, देखो सबसे पहले मुझे टायर निकालना पड़ेगा, टायर के अंदर एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है वो निकालना पड़ेगा, तो वो निकालूंगा मैं, ठीक है, टायर और अंदर का जो कवर लगा हुआ होता है, और बाद में क्या क्या निकालना है ये मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हमने टायर निकाल दिया, उसके बाद जो लाइनिंग कवर है वो निकाल दिया, ठीक है, और इसके बाद ये दोनों कवर इंजन के तो हमने पहले दिखाए आपको, इजीली निकल जाते हैं। इसके बाद जो कूलेंट के टैंक है उसके दो जो स्क्रू होते हैं वो निकाल दिए, फिल्टर ये ऐसे क्लिप बाजू करके उठाना है वो साइड में रख दिया, और ये जो माउंटिंग है उसमें 13 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, ये 16 नंबर के होते हैं, वो निकाल दिए हैं हमने, ठीक है। अभी हम हमारा जो माउंटिंग है वो ऊपर उठाएँगे, लेकिन ये करने से पहले आपको नीचे चेंबर में इस तरह जैक लगाना है, नहीं तो क्या माउंटिंग जगह आप निकालोगे तो इंजन डाउन हो जाएगा और बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए इस तरह जाक लकड़ी लगा के लगाना है, कि डायरेक्ट नहीं लगाना, क्योंकि चेंबर जो होता है एल्यूमिनियम का बना होता है, कास्टिंग का, फूट सकता है, इसलिए लकड़ी रख के, जाक के ऊपर लकड़ी रख के ऐसे ही आपको जाक पे चढ़ानी है गाड़ी। तो अभी हमारा जो माउंटिंग है वो हमें निकालना है, संभल के आपको निकलना है, क्योंकि इधर फ्यूल की वगैरह सब लाइन है होते हैं, उनमें से आपको इस तरह ये निकालना है। ऊपर से माउंटिंग निकालने के बाद जैक थोड़ा सा डाउन करना है, तो ये बोल्ट आपको दिखने लगेगा, ये हमारा जो माउंटिंग का ब्रैकेट है उसका बोल्ट है, तो ये निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जैक हमारा थोड़ा सा अप करना है, अप करने के बाद तो इधर एक 16 नंबर का बोल्ट होता है, इधर एक बोल्ट होता है, यहाँ का तो एकदम इजीली आ जाता है, इधर जो होता है वो इजीली नहीं आता। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखो 16 नंबर का जो बॉक्स पाना है मैंने ग्राइंडिंग करके ले लिया है, इसे ग्राइंडिंग करके लेना है, उस पर आपको पट्टी पाना बिठाना है, ये देखो इस तरह, और ये पाना इजीली अंदर लग जाता है, और पट्टी पाने से आपको घुमा के वो निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों बोल्ट है निकाल के ले लूँगा, उसके बाद हमारी जो माउंटिंग है उसकी फ्रेम है वो बाहर आ जाएगी। तो अभी आपका एसी कंप्रेसर का जो बेल्ट होता है वो निकालना है हमें, ठीक है। तो इस तरह इसका टेंशनर पुली होती है, उसको इस तरह क्लॉकवाइज घुमा के 16 नंबर के रिंग पाने से वो आ जाता है इजी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्रेसर बेल्ट आ गया बाहर, देखो सब निकाल दिया, जो सपोर्ट हमारे माउंटिंग का वो भी निकाल दिया, इसके बाद अंदर एक कवर रहता है वो निकाल दिया, नीचे की जो बेल्ट की पुली रहती है वो भी निकाल दी, ठीक है। वो थोड़ा डाउन करने के बाद मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है इसलिए एकदम प्रॉपरली आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप सबको आपको दिखाऊँगा। तो अभी देखो ये कैम हमने लॉक कर दिया इधर से, नीचे से क्रैंक भी लॉक करना है आपको, ठीक है, ये स्पेशल टूल है मेरे पास वो लगता है इधर, नहीं है आप एलेंके से वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो 13 नंबर के बोल्ट है वो लूज़ करके लेने हैं, तो ये एम सीरीज़ के बोल्ट है ये भी लूज़ करके लेने हैं, ये देखो, ठीक है, तो वो लूज़ करके लेता हूँ। और ये नट निकालोगे और इधर एलेंके से आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो ये जो बेल्ट है लूज़ हो जाएगा और बेल्ट बाहर आ जाएगा।
नीचे जो कैम है, कैम के पुली भी हमें लॉक करनी होती है, तो कैम पे ये देख रहा होगा अगर आपको, इधर एक मार्क होता है ये देखो, और ये स्पेशल टूल है मेरे पास, इधर इस टूल पे देखो एक मार्क है, तो वो जो मार्क है उससे इसके सामने आना चाहिए और इस तरह बैठना चाहिए। इधर एक खाँच होती है ऊपर, उस खाँच में एकदम प्रॉपरली ये टूल बैठना चाहिए। ये देखो ये एकदम प्रॉपरली टूल बैठ गया है, ठीक है। ऊपर से हमने कैम लॉक किया, नीचे से क्रैंक भी लॉक कर दिया। इसके बाद यहाँ से देखोगे तो हमारा जो हाई प्रेशर पंप रहता है कॉमन रेल का, वो भी लॉक करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो वो भी हमने लॉक कर दिया, ठीक है। तो बेल्ट वगैरह हमने निकाल दिया, अभी तीनों लॉक है हमारा, कैम की पुली लॉक है, क्रैंक लॉक है और हाई प्रेशर पंप लॉक है। इसके बाद आपको ये सब आइडलर बेयरिंग्स रहते हैं या फिर आइडलर गियर कहते हैं उसको, ये चेक करने हैं इसमें प्ले वगैरह है या फिर बेयरिंग वगैरह गई है क्या, ठीक है। अगर बेयरिंग वगैरह गई है तो ये भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन एकदम प्रॉपर है सब, कुछ भी इसमें डिफेक्ट नहीं है। ये देखो ये पुराना बेल्ट हमने निकाल दिया, ठीक है। पुराना बेल्ट इतना ख़राब नहीं है, लेकिन 1 लाख किलोमीटर के बाद आपको बदल नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत हार्ड होता ही है, और जब हार्ड होता है तो टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए कंपनी रिकमेंड करती है कि 1 लाख किलोमीटर तक ही चलाना है इसको मैक्सिमम, ठीक है। जैसे 1 लाख किलोमीटर रनिंग हो जाए उसके बाद चेंज करना है, ठीक है। तो ये साइड में रख देता हूँ मैं। इसके बाद ये हमारा बेल्ट का टेंशनर है, तो टेंशनर भी एकदम प्रॉपर है, इसमें कुछ प्ले वगैरह नहीं है, एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है सब, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर का आइडलर है, ऊपर का आइडलर भी निकालना पड़ता है, ये निकालोगे तो एकदम प्रॉपरली बेल्ट निकलता है और बैठता भी प्रॉपरली है। तो ये सिर्फ आपको साफ़ करके लेना है, इस पर ग्रीस के वगैरह डाग जो है उसे आपको क्लीन करना है, ठीक है। तो ये क्लीन कर लूँगा मैं। इसके बाद जो नया वाला बेल्ट है वो हमने बुडमो से मंगाया है, तो बुडमो के बारे में आपको पता नहीं है तो बुडमो एक ऐसा ऐप है या फिर वेबसाइट है, जिस ऐप पे या फिर वेबसाइट पे आपको जितने भी कार्स है, जैसे कि टाटा मारुति से लेकर जो लग्जरीज कार है, जैसे कि ऑडी, फेरारी वगैरह, लंबोर्गिनी या BMW, इस तरह के कार का कोई भी पेयर पार्ट जो ओरिजिनल है या फिर OES है या फिर कॉम्पिटेबल है, जितने भी स्पेयर पार्ट है या फिर इंजन ऑयल है, ब्रेक फ्लूड है, गियर ऑयल है, कंपनी का जो ओरिजिनल रहता है, वो भी सब इस पर मिल जाता है। तो उसी ऐप की मदद से, मतलब बुडमो से ही हमने ये जो टाइमिंग बेल्ट है ये मंगाया है। तो ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये फॉक्सवैगन का जेन्युइन बेल्ट है, एकदम ओरिजिनल बेल्ट जो फॉक्सवैगन कंपनी यूज़ करती है वो वाला, ठीक है। तो एकदम प्रॉपरली ये देखो ओरिजिनल है, और ये जो बेल्ट है 838 रुपीज़ इसकी MRP है, और इसका डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा होता है इस ऐप पे, तो मुझे सिर्फ ये 800 रुपीज़ में मिल गया, ठीक है। और यही बेल्ट आप दुकान में परचेस करने जाते हो तो आप देखो, ट्राई करके देखो, आपको विश्वास नहीं है तो स्पेयर पार्ट की दुकान में जाकर आप वॉल्सवैगन का, पोलो का, वेंटो का या फिर रैपिड का टाइमिंग बेल्ट मांगते हो तो ये MRP आई हुई है इरेज करते हैं और आपको 1600-1800 या फिर 1400 रुपये जो मन में आए, मर्जी आए, वो बता देते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो बुडमो पे ऐसा नहीं होता, बुडमो के एकदम प्रॉपरली ओरिजिनल बेल्ट मिलता है, और जो MRP है उससे ज़्यादा नहीं लेते, या फिर MRP है उस पर बहुत सी बार डिस्काउंट उनका चल रहा होता है। ये देखो एकदम फॉक्सवैगन का ओरिजिनल कॉन्टिनेंटल का बेल्ट है, ठीक है। और इस पर ये देखो, ये कुछ नंबर वगैरह मेंशन किया होता है, तो ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, इसकी पहचान होती है। इसे कैमरा में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अभी इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। अभी देखो बेल्ट चढ़ा दिया, ठीक है। सारे जो आइडलर थे, टेंशनर था, कपड़े से एकदम प्रॉपरली साफ़ किया और लगा दिया, और नया बेल्ट भी चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आइडलर है एकदम लास्ट में लगाना है, सब बेल्ट चढ़ेगा ना उसके बाद ये आइडलर लगाना है, तो बेल्ट इजीली चलता है। और ये जो बोल्ट है वो लूज़ ही है अभी तक हाई प्रेशर पंप के भी। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें बेल्ट का टेंशनर सेट करना है। तो टेंशनर सेट करने के लिए ये देखो, ये इस तरह एलिंग के फंसा लिए है मैंने, तो ये इस एरो में आना चाहिए, देखो ये इस बीच में आना चाहिए। और ये देखो ये 15 नंबर का जो बोल्ट है वो टाइट करना है ऐसा पकड़ के, ठीक है। तो इस तरह रहना चाहिए, इसके पीछे या आगे नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपरली बीच में होना चाहिए, तो आपका टेंशनर का टेंशन एकदम प्रॉपर है। तो ये भी तब यही देखो, हमारा जो टाइमिंग बेल्ट है एकदम प्रॉपरली बैठ गया, ठीक है। तो आपको पता नहीं तो बता दूँ, ये जो बेल्ट है इसमें 160 टूट होते हैं, तो 160 टूट है, तो आप जब भी बिठाते हो तब आपको ये सेफ्टी के लिए ये जो टूट है ये गिन के लेना है, 160 रहते हैं इसमें, ठीक है, पोलो विंटो और रैपिड के टाइमिंग बेल्ट में, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये मार्किंग भी एकदम प्रॉपरली आ गया,
और सब एकदम प्रॉपर हो गया है। अभी लॉक किए हुए हैं हमने कैम भी, हाई प्रेशर पंप भी और क्रैंक भी, ठीक है। क्रैंक मतलब पुली उसकी लॉक की है। तो अभी ये जो नट है, बोल्ट है, ये हमने लूज़ किए थे, अभी इसको टाइट करना है, ठीक है। तो ये हमने क्यों लूज़ किए थे, क्योंकि ये जो है ना ऊपर का फ्री रहना चाहिए, ये जब फ्री रहता है तो हमारा टाइमिंग प्रॉपर बैठा है और बेल्ट जो है बिठाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। ये एडवांस रिटायर ऐसा कुछ नहीं रहता, कंपनी ने रखा है एकदम प्रॉपर सेटिंग होने के लिए। ये जो टूट है इसके बीच में जो आप अंतर देखोगे लगभग 1 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इतना क्लियरेंस होता है। तो ये आप एडवांस रिटायर करोगे तो 1 सेंटीमीटर का उसमें ये रहेगा, क्या टॉलरेंस रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ये बोल्ट दिया है, ये बोल्ट दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये बोल्ट से आप करोगे लूज़ करके तो एकदम मतलब एकदम परफेक्ट है, कि MM का भी अंतर नहीं रहेगा, इतना प्रॉपर आपका टाइमिंग हो जाता है। तो लॉक है अभी क्रैंक वगैरह, कैम और हाई प्रेशर पंप, ये टाइट करते हैं, लॉक निकालेंगे और सब फिटिंग कर लेता हूँ ऊपर की और नीचे की, और आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ। अभी फिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ ऊपर का कवर मैंने बाकी रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी पूरा फिटिंग हो गया है और प्रॉपरली वो जो गेज मैंने बताया था आपको टेंशनर का, वो भी एकदम प्रॉपर है। देखो, दिखाना थोड़ा मुश्किल है कैमरा में, फिर भी ट्राई करता हूँ। ये देखो एकदम प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। तो अभी मैं कार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो कार एकदम हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई है और एकदम प्रॉपरली बेल्ट वगैरह काम कर रहा है एकदम, मतलब जो पहले नॉइस आ रहा था थोड़ा बेल्ट का, तो वो नॉइस भी पूरा ख़त्म हो गया है। तो इस तरह मैंने आपको दिखाया जो हमारी पोलो है, वेंटो है और फाबिया है, 1.2 लीटर TDI इंजन, 1.6 लीटर TDI इंजन और 1.5 लीटर TDI इंजन, इस इंजन में सेम प्रोसेस रहेगी। और ये जो टाइमिंग बेल्ट है ये बदलते समय आपको ये ध्यान रखना है, हमारे कैम की पुली, क्रैंक की पुली और हाई प्रेशर पंप की पुली एकदम प्रॉपर लॉक होनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया। इसके बाद जो इसका टेंशनर है वो उसकी जो ये सुई है या फिर उसका गेज है एकदम प्रॉपरली रेंज में होना चाहिए। ये करोगे तो एकदम प्रॉपरली आपका टाइमिंग लग जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया बुडमो के बारे में, तो बुडमो ऐप से काफ़ी सारा फ़ायदा होता है और काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट एकदम रिजनेबल और एकदम अच्छे रेट में आपको घर बैठे बैठे मिल जाते हैं। तो उस ऐप की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसको भी ट्राई करके आप ज़रूर देखना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए।